हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है रोशनी निर्जा यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, मेरे मोबाइल में नेट हो गया है ख़त्म, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो नहीं डाल पाई हूँ ज़्यादातर। और मैं आज वीडियो लेके आई हूँ इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैंने लगाई है या मैंने उसको यूज किया, सो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ एक शब्द कि मेरा पता नहीं क्यों आज मुझे खुद पता नहीं है, मेरा सिर दर्द आज इतना हो रहा है। सो मैंने मेरे पति से कहा था कि मुझे नवरत्न की सीसी ले आओ, मतलब बालों में डालने के लिए ऑयल। सो मेरे पति, मेरी बेटू है जो, हालांकि मैंने पिछली बार इतनी बड़ी बोतल मंगवाई थी, सो मेरी बेटू ने उसको बहुत सारा बर्बाद कर दिया था क्योंकि उसकी जो कैप है, कैप कोट डाली थी। सो मेरा पूरा ऑयल इसमें गिरा दिया था, मैंने समथिंग पाव भर की बोतल मंगवाई थी। सो इसलिए मेरे पति लाए हैं नवरत्न के पाउच, क्योंकि मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और पता नहीं क्या हो गया। आज मुझे सुबह से थोड़ी वॉमिटिंग भी हो गई है, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या हो जाता है कभी कभी। और मेरे पति ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी सी ऑयल की सीसी लाए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये वाला ऑयल लगाती नहीं हूँ। मेरा ज़्यादातर पता नहीं क्यों सिर दर्द होता रहता है, सो मैं ज़्यादातर नवरत्न ही लगाती हूँ। सो मेरे पति, मेरी बेटू लुक कर रही है सामान के लिए कि मुझे ये मिल जाए। और फ्रेंड, मैंने अपने बालों के लिए मंगवाया है ये, मेरे पति लाए हैं, गोदरेज का लाए हैं। मैंने उनसे कहा था गार्नियर का लाना, और मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे जो चाहिए है वो चीज़ लाना। और क्योंकि क्या है कि मैंने निशा मेहंदी डाली है, एक मैंने जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम निशा मेहंदी यहीं पे डाली थी, क्योंकि मेरे मायके में तो अमीना मेहंदी का पाउच मिलता है। सो मैं ये कलर वाली मेहंदी नहीं डालती थी, मैं वही डालती थी। और जब से मेरी शादी हुई है, सो यहाँ पर अमीना मेहंदी के पाउच नहीं मिलते हैं। मैंने अपने मिस्टर से मंगवाया था, निशा मेहंदी लाए थे मेरे मिस्टर मेरे। हालांकि पहले एक भी सिर में बाल सफ़ेद नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि अगर जिसके बाल सफ़ेद हैं वो ही निशा मेहंदी डाले, और जिसके बाल सफ़ेद नहीं हैं वो भूल कर भी निशा मेहंदी नहीं डाले। इसलिए कि अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं हैं और आपने निशा मेहंदी डाली, तो वो आपके बाल सफ़ेद पक्के से कर देगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को झेल चुकी हूँ। मेरे सिर पे एक भी बाल वाइट नहीं था, लेकिन जब से मैंने निशा मेहंदी डाली है, खैर मैंने फर्स्ट और सेकंड टाइम दो बार ही डाली है, लेकिन उतने से ही टाइम में निशा मेहंदी ने मेरा जो बाल है उसने इतना सफ़ेद कर दिया है, इतना सफ़ेद कर दिया है कि अगर मैं 30 साल की भी हूँ, वैसे तो मैं तो ऐसा लगता है कि मैं 50 की हो गई हूँ। एक तो शरीर हेल्दी हो गया है, ऊपर से निशा मेहंदी जवानी में भी बुढ़ापे का एहसास दिला देती है, इसलिए कि उसने मेरे बाल सफ़ेद कर दिए। मैं तो किसी से भी नहीं कहूँगी कि निशा मेहंदी डालिए आप लोग, इसीलिए मैं अपने पति से ये वाला कलर मंगवाया है। सो देखिए, मैंने मेरी जब जिठानी की लड़की की शादी हुई थी, तब भी मैंने बरगंडी कलर मंगवाया था। ज़्यादातर मैं बरगंडी कलर डालती हूँ, और मैंने जिठानी की लड़की की शादी में भी यही कलर डाला था, क्योंकि मैं भोगी हुई हूँ इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि दो ही बार में उसने इतना कमाल कर दिया है
उसने निशा मेहंदी ने कि मेरे बाल सफ़ेद कर दिए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आप लोग भूल के भी मत डालिएगा निशा मेहंदी, अगर डालना है तो गार्नियर का कोई भी कलर डाल सकते हैं, ब्लैक डाल सकते हैं, ब्राउन डाल सकते हैं, जो भी कलर आपको डालने हैं आप उसके डाल सकते हैं, लेकिन निशा मेहंदी तो जिसके बाल सफ़ेद हैं वही डाले और जिसके नहीं हैं वो भूल कर भी मत डाले, वरना वो जवानी में बुढ़ापा दिला देगा। इसलिए मेरे पति लाए हैं ये, और आज मेरा हो गया है नेट ख़त्म। और देखो मेरी बेटू कर रही है कितना शैतान, उसे लग रहा है कि ये सामान दे दे तो मैं सब सामान लेके चली जाऊँ तो सबको तोड़ फोड़ डालूँ और फेंक दूँ। सो मैंने अपने पति से ये सामान मंगवाया है और आज मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ करूं। आज मैंने खाना भी बहुत लेट बनाया है और सिर दर्द हो रहा है, सो मेरे पति ये टैबलेट लाए हैं, सो मैं इसको खा लूँगी। वैसे हालात तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं कितना भी टैबलेट खा लूँ मेरे सिर में टैबलेट का कोई असर नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है। शादी के पहले भी मेरा बहुत इलाज चला है और सही नहीं होता था, तो डॉक्टर ने खुद बोल दिया था कि बेटा आप टैबलेट मत खाओ ज़्यादा अब, क्योंकि मेरा कंटिन्यू साल डेढ़ साल इलाज चला है सिर का, लेकिन फिर भी और जब मेरा सिर दर्द होने पे आता है तो मेरा सिर दर्द 15-15, 20-20 दिन का हो महीने भी खींच ले जाए, और अगर आप टैबलेट खाते हैं तो टैबलेट का भी असर नहीं होता, लेकिन मेरा ज़्यादा दर्द हो रहा है सिर, इसीलिए मैंने अपने पति से कहा था शायद असर कर जाए, इसलिए मैंने मंगवाई है पति से ये टैबलेट, आप लोगों को दिख रही होगी। सो मैं ये टैबलेट भी खाऊंगी। बेटू उधर जाओ बाबा, और ये मंगवाया है सामान अपने पति से क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है जैसे कि आप लोगों को बताए हैं। सो ये मेहंदी डालने की मेरी हिम्मत अभी नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी क्योंकि सिर दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि जो ये कलर है, सॉरी कलर नहीं, ये पाउच है जो, ये मैं अभी डाल लूँगी क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और टैबलेट भी खा लूँगी अभी पाउच। सो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा हंसते खेलते रहिए और आपकी फैमिली भी। सो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट मेरी चैनल में बनाए रखिएगा क्योंकि आप लोगों से मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कि आपके सपोर्ट के बिना मेरी चैनल ग्रोथ नहीं कर सकती है। सो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं दवा भी खा लूँ क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो चलिए फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इंतज़ार करिएगा।